मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे स्वेज नहर की। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ये वर्तमान में मिस्र देश के नियंत्रण में है। इसको सन 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डीनेंड ने निर्माण शुरू कराया था, जो कि बन के 10 साल बाद 1868 में तैयार हुई थी और 1869 में यातायात के लिए खुल गई थी। यह नहर 168 किलोमीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी और 16.5 मीटर औसत गहरी है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने नक्शे को चित्रांकित किया है। ये ऊपर वाला भूमध्य सागर है और इधर लाल सागर है, ये बीच में स्वेज नहर है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर का जो दक्षिणी छोर है उस पर स्वेज बंदरगाह है और जो उत्तरी छोर है उस पर सेंट बंदरगाह है। इस एक तरफ स्वेज बंदरगाह, एक तरफ सेंट बंदरगाह। इसके बाद बात करते हैं कि इसके बीच में एक मीठे पानी की झील है जिसका नाम टिमसा है। और इस नहर के पीछे का जो इतिहास है वो ये है कि ये नहर स्वेज कैनाल कंपनी के आधिपत्य में थी, जिसमें आधे शेयर फ्रांस के थे और आधे शेयर मिस्र के जो पड़ोसी देश हैं और मिस्र इनके थे। हुआ क्या, 1887 में मिस्र और उसके पड़ोसी देशों के शेयर को अंग्रेजों ने खरीद लिया। उसके बाद इन्होंने एक संधि थी उसको तोड़ दिया 1904 में, जिसके बाद एक संधि स्वेज कैनाल कंपनी और मिस्र देश के बीच हुई कि 99 वर्ष का जो पट्टा है वो ख़त्म हो जाने के बाद जो है ये स्वेज नहर है वो मिस्र के अधीन हो जाएगी। और जब मिस्र के अधीन हो गई तो 1956 में मिस्र ने चालाकी दिखाई और 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण करके इस पे आधिपत्य जमा लिया, ताकि आगे जैसा अंग्रेजों ने किया था ऐसा कुछ होने ना पाए। और इस समय स्वेज नहर मिस्र देश के नियंत्रण में लीगली है। तो स्वेज नहर से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, कहाँ स्थित है, मिस्र देश में स्थित है, इसको बनवाने में इंजीनियर कहाँ से था, फ्रांस से था, इंजीनियर का नाम क्या था, फर्डिनेंड था, निर्माण कब शुरू हुआ था 1858 में, समय कितना लगा था 10 वर्ष, ये नहर कितनी लंबी है 168 किलोमीटर, ये नहर पनामा नहर से लगभग दोगुनी है, लगभग दोगुनी है, और जबकि इसमें जो लागत लगी थी वह 1/3 लगी थी पनामा नहर से, बनवाने में लागत कम लगी थी। और इसका जो चुंगी कर है वो बहुत ज़्यादा है, यानी जो भी सामान हम ले जाते हैं तो वहाँ पे टैक्स देना पड़ता है, जो भी व्यापार के लिए यूज होता है। अगर आप एक देश से दूसरे देश के लिए ले जाते हैं, भारत, बांग्लादेश, चाइना, इन सबको लिए यूरोप से कनेक्टिविटी है। अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में ही है, तो कनेक्टिविटी है व्यापार के लिए, तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये क्वेश्चन लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती बहुत फेमस है। दक्षिणी छोर पर जो बंदरगाह उसका क्या नाम है, स्वेज है। उत्तरी छोर पर सेंड है। मीठे पानी की झील का क्या नाम है, टिमसा है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1956 में। तो ये भले 7 पॉइंट्स हैं लेकिन इससे कम से कम 10 क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो स्वेज नहर अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से पनामा नहर और भी जो नहरें इंपॉर्टेंट हैं उन पर भी हम वीडियो बनाएंगे। और इसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।